हे गाइस, वेलकम अगेन टू वे नेचर। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डाइजेशन। जस्टिका एडा थोड़ा, जस्टिका वर्सिका या फिर हम कहें अडूसा का, तो हम इसका डाइजेशन स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आपने इसके प्लांट फीचर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके प्लीज़ चेक कीजिएगा। इसके अलावा सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है इसका फ्लावर। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट वीडियो में, इसके प्लांट फीचर वाले वीडियो में बात की थी कि जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो होता है रेसिमोस स्पाइक टाइप का। तो स्पाइक टाइप के इनफ्लोरेसेंस में जो फ्लावर होते हैं वो सेसाइल टाइप के होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फ्लावर है, देखिए ये सेसाइल है, इनमें पेडिकल नहीं है। और ये हम एक फ्लावर रिमूव कर लेते हैं यहाँ पर। तो वर्सिका में ब्रैकेट होते हैं, ब्रैक्यूलेट होते हैं, जो कि लीफी टाइप के होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है, ये है इसका लीफी ब्रैकेट और ये हैं इसके लीफी ब्रैक्यूलेट्स। और ये है फ्लावर, आप देख सकते हैं ये जाइगोमॉर्फिक टाइप का है। आप इसको सिर्फ एक ही एक्सिस से काट सकते हैं दो सिमिलर पार्ट में। और यहाँ पर देखिए ये है इसकी कली। सो अभी हम बात करते हैं इसके सबसे आउटर साइकिल के बारे में। तो देखिए ये है इसका सबसे आउटर साइकिल, जो आपको ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं वो हैं इसके सेपल्स, जो कि होते हैं नंबर में 5। इनका एस्टिमेशन की बात करें तो ये क्विनक्विनेंशियल होता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी बात है, आपको कई जगह ये जो इनकी सेपल्स की कंडीशन है वो गैमोसेपल्स में दिख सकती है, कई जगह पॉलीसेपल्स कंडीशन में दिख सकती है। इसका कारण ये है कि जो सेपल्स हैं इनके जो अपर पार्ट होते हैं वो फ्री होते हैं, लेकिन ये बेसल पार्ट से देखिए जुड़े हुए हैं। तो कई जगह ये आपको गैमोसेपल्स कंडीशन में मिलेंगे और कई जगह ये पॉलीसेपल्स कंडीशन मिलेंगे। तो ये नंबर में 5 है, पॉलीसेप्लस कंडीशन कहूंगी मैं इसको। इसके बाद में आती है नेक्स्ट साइकिल की बात, जो कि है कोरोला। तो कोरोला आप देख सकते हैं ये बाइलैबिएट है, जिसमें ये वाली इसकी एंटीरियर लॉब है और ये पीछे वाली इसकी पोस्टीरियर लॉब है। और ये देखिए ये गैमोपेटलस कंडीशन में है। और इसके इनर साइड पे आपको कुछ लाइनिंग से दिख रही होंगी। तो कोरोला है नंबर में 5 है, बाइलैबिएट फॉर्म में है, गैमोपेटलस कंडीशन में। और अगर इनके एस्टिवेशन की बात करें तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी दिख जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं इसके एंड्रोसियम की बात। तो ये जो एंथर हैं वो नंबर में होते हैं 2। अब ये फ्लावर होता है वो पेंटामोरस टाइप का होता है। इसमें नंबर में टोटल, ठीक है, टोटल नंबर में 5 होते हैं, लेकिन उसमें से 3 स्टिमिनोइड टाइप के होते हैं, 2 ही कम्प्लीटली डेवलप हो पाते हैं। और ये जो 2 जो कम्प्लीटली डेवलप होते हैं ये लगे हुए होते हैं पोस्टीरियर लॉब पर, लेकिन पीछे की ओर रहते हैं। देखिए ये यहाँ पर लगे हुए हैं आगे की ओर एंटीरियर लॉब पर।
और अगर हम एंथर की बात करें तो एंथर होते हैं उनमें फिलामेंट काफ़ी लंबा होता है, फ्लैश टाइप का होता है। और एंथर लोब होती हैं वो दो होती हैं, यानी डाइथिकस होती हैं, लेकिन वो कनेक्टिव पर दो अलग अलग जगह पर लगी रहती हैं। ये देखिए, ये आपको लेंथ में अलग अलग दिखेंगी, एक ऊपर एक नीचे की ओर, इंट्रॉस टाइप की हैं। तो एंथर हैं वो नंबर में दो हैं, फिलामेंट फ्लैशी है, डाइथिकस कंडीशन में इंट्रॉस हैं, बेसी फिक्स्ड हैं, एपिपेटलस कंडीशन में और पॉलीएंड्रस कंडीशन शो करते हैं। इसके बाद में बात आती है गाइनोसियम की, तो गाइनोसियम की बात करें तो स्टाइल स्टिग्मा सिंपल होते हैं, ओवरी की कंडीशन सुपीरियर होती है हाइपोगाइनस टाइप की, जो कि बाइकार्पोरेसन कार्पस बाइलोक्युलर और एग्जाइल प्रेजेंटेशन के साथ में होती है। और इसके साइड में नेक्टर ग्लैंड मिल जाती है आपको, देखो मेरे हाथ पर अंगुलियों पर कुछ गीला गीला सा दिख रहा होगा, ये है इसका नेक्टर। तो ये बात हो गई है इसके फ्लावर के बारे में। अगर हम कंप्लीट फ्लावर की बात करें तो फ्लावर होता है जाइगोमॉर्फिक टाइप का होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ब्रैकेट ब्रैक्यूले टाइप का होता है, कंप्लीट रेगुलर साइक्लिक, वाइट कलर। और फ्रूट होता है वो होता है कैप्सूल टाइप का। जिसको हमने इसके पार्ट फर्स्ट में भी देख लिया था। तो ये हो गई है बात इसके फ्लोरल डाइजेशन के बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में। तो अगर हम जस्टिका के फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में बात करें तो हमारा फ्लावर है वो ब्रैक्टेट है, ब्रैक्यूलेट है, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स हैं वो नंबर में पाँच हैं, पॉलीसेप्लस कंडीशन में, कोरोला है वो बाइलैबिट फॉर्म में है, गैमोपैटलस कंडीशन में, एंथर है वो नंबर में दो हैं, एपिपैटलस कंडीशन में, और गाइनोसियम की बात करें तो वो बाइकार्पलरी सिनकार्पस और सुपीरियर कंडीशन में। तो ये बन जाता है हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। अभी हम बनाते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम। तो ये बन जाता है जस्टिका का फ्लोरल डायग्राम, जिसमें हमारा फ्लावर है वो ब्रैक्टेट है, ब्रैक्यूलेट है, सेपल्स की बात करें तो नंबर में पाँच है, क्विंक्विनेशन एस्टिवेशन है, पॉलीसेप्लस कंडीशन है, और क्योंकि ये बेसल पार्ट से जुड़े हुए होते हैं तो आप इनकी गैमोसेप्लस कंडीशन भी दिखा सकते हैं, वो भी ठीक होगा। इसके बाद में बात करें अगर हम कोरोला की तो वो नंबर में पाँच है, बाइलेबिट है 2/3, गैमोपैटलस कंडीशन में। नेक्स्ट आती है एंथर, तो एंथर वो नंबर में दो हैं, इंट्रॉस है, डाइथिकस है, एपिपेटलस कंडीशन में है, बेसी फिक्स्ड कंडीशन। और ओवरी की बात करें तो ओवरी है बाइकार्पुलर सिनकार्पस बाइलोक्युलर सुपीरियर कंडीशन के साथ एग्जाइल प्लेसेंटेशन में। तो ये हो जाता है जस्टिका एडाथोडा या जस्टिका वर्सिका का कंप्लीट फ्लोरल डाइजेशन।